you all? I'm fine and I'm back with another amazing video। मैं बहुत टाइम से इस वीडियो को बनाने का सोच रही थी जब मैंने ये पैलेट परचेज़ की थी, बट आई वॉज़ बिज़ी इन सम वर्क। अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैं फटाफट ये वीडियो रिकॉर्ड की आप सबके लिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप सब लोग वीडियो देख रहे होते हो बट मोस्ट ऑफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आई शेडो पैलेट के बारे में। वी गर्ल्स लव ग्लिटरी मेकअप, तो प्रॉपर अच्छा ग्लिटर पैलेट हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव आई शेडो पैलेट्स बट हमारे पास जो है वो अच्छा प्रॉपर ग्लिटर पैलेट नहीं होता, इसीलिए मैं आपके पास लेके आई हूँ हैप्पी यूनिकॉर्न का ग्लिटर पार्टी आई शेडो पैलेट। मार्केट में इतने ज़्यादा ग्लिटर पैलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के, बट उसमें से राइट चूज़ करना जिसमें सारे कलर्स हों और आपको आप लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये परचेज़ किया था और मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही हसीन इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न इस पर ट्रेस हुआ हुआ है एंड लुक ऑल द डिटेल्स ऑल द कलर्स, बहुत प्यारा। और बेसिकली ये एक बुक लगती होती है, अगर इसके ऊपर ये प्रिंट नहीं होता, ये वर्डिंग नहीं होती ग्लिटरी, आई मीन जो वर्डिंग नहीं होती यूनिकॉर्न ग्लिटर पैलेट नहीं इस पर ट्रेस हुआ होता, तो बिल्कुल ये एक बुक लगती, ट्रस्ट मी। पैकेजिंग की अगर बात करूँ, बहुत प्यारी पैकेजिंग है, 10/10 इस पैकेजिंग को मिलने चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड इसकी पैकेज है जिससे आपके अंदर के जो कलर्स हैं वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होंगे। तो मैंने पैलेट को टर्न कर लिया, नाउ लेट्स जस्ट ओपन इट। वाह, पैलेट ओपन करते ही साथ आपका दिल खुश हो जाता है। इस पैलेट के ऊपर देखें, इन लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी हुई है, थोड़ी मोटी शीट है ये, जस्ट बिकॉज अगर आपकी पैलेट इन केस टूट भी जाती है तो कलर्स एक दूसरे में स्प्रेड नहीं होंगे और कलर्स को प्रेस करके रखती है ये शीट, तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है आई शेडोज़ के ऊपर भी और हर पैलेट के ऊपर ये ज़रूरी होनी चाहिए। सो दिस पैलेट बेसिकली हैज़ 35 ग्लिटर शेड्स एंड ऑल कलर दिस पैलेट हैज़, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। गोल्डन्स भी हैं, देखें, ब्राउन, ब्लू, पिंक, इवन रेड कलर भी है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें वाइट कलर भी है। बहुत कम ऐसे पैलेट्स होते हैं जिसमें वाइट ग्लिटर शेड होता है, बट दिस पैलेट हैज़। और एक बात मैं यहाँ पर और मेंशन करती चलूँ, ये पाउडर ग्लिटर्स नहीं है, दिस आर प्रेस्ड ग्लिटर्स। इट मीन्स कि इन ग्लिटर्स के अंदर ही ग्लू अवेलेबल है जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हो आइज़ के ऊपर, आपको ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ में इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए स्वैच कर रही हूँ, दिस इज़ गोल्डन कलर, ये देखिए मैंने स्वैच किया और ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर ये आपको दे रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया, आई शेडो के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। हमने आई शेडो लगा लिया, एज अ बेस पिंक कलर लिया, तो यहाँ पर मैं इसके हिसाब से ही ये वाला पिंक कलर जो है वो ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। सो यू कैन यूज़ दीज ग्लिटर्स विद द हेल्प ऑफ ब्रश, बट जो पिगमेंट आपके अपने हाथ से आपके फिंगर्स से आएगी वो पिगमेंट ब्रश से नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कलर को लोगे, आपको रगड़ के इसको अप्लाई नहीं करना आई के ऊपर, आपको कलर लेना है और इस तरीके से टैप 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 करके अपने आई के ऊपर रखना है, सही है। ऐसा ना हो कि लगा के आप लोग रगड़ रहे हो तो बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं आएंगी, वो कहीं पर लगा होगा कहीं से रिमूव हो जाएगा। स्लोली स्लोली टैप 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 करके, इट टेक टाइम, इट टेक्स लिटिल टाइम, बट यह है कि अच्छी तरह लग जाएगा। उसके बाद देखेंगे, ये जो हमने बेस आई शेडो लगाया उसके ऊपर भी प्यारा लग रहा है, जहाँ हमने आई शेडो बेस नहीं लगाया वहाँ पर भी ये प्यारा लग रहा है। ओके जी दोस्तों, स्वैचेस हो गए, मैंने आपको दिखा दिया कि एप्लीकेशन किस तरीके से होगी और किस तरीके से आप लोगों को शेड के ऊपर लगाना है या विदाउट शेड भी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे इसकी ये बात अच्छी लगती है कि अगर हम डस्ट ग्लिटर्स लेते हैं या पाउडर ग्लिटर्स लेते हैं तो उसके साथ हमें ग्लू लेना मस्ट होता है, तो फिर ग्लू लेते हैं, फिर हम डस्ट ग्लिटर मिक्स करते हैं, फिर आई शेडो के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम विदाउट ग्लू यूज़ करेंगे तो वो डस्ट आउट हो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी मुझे इस पैलेट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसके अंदर ग्लू भी इंक्लूडेड है, ग्लिटर्स प्लस ग्लू, तो प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं तो जो कि ईजिली आपके आइज़ के ऊपर लग जाते हैं और काफ़ी देर तक जो है वो स्टे भी करते हैं। अब बात आती है कि मैंने ये पैलेट कहाँ से ली। आई बॉट दिस पैलेट फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज पेज मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी या फिर स्क्रीन के ऊपर उस अकाउंट का उसका अकाउंट मेंशन कर दूँगी जहाँ से आप लोग उसको परचेज़ कर सकते हो। ओके जी, तो व्हाट अबाउट प्राइस? इसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है। आई बॉट दिस ओनली इन 999 राउंड अबाउट 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ अगर आप सिंगल ग्लिटर लें, फॉर सपोज़ अगर क्रिस्टियन के जो लूज़ ग्लिटर्स आते हैं अगर आप वो ले रहे हैं तो 250 या 300 समथिंग का वो सिंगल एक कलर होता है। तो आप लोग 35 कलर्स अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका बजट बन जाता है और इंक्लूडेड ग्लू, ठीक है, सॉरी विदाउट ग्लू। तो आप लोग ये लेंगे 1000 रुपीज़ में 35 कलर्स ग्लू के साथ, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। I mean, बहुत अफोर्डेबल। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैंने जब इसको परचेज़ किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि किस टाइप की होगी, बट जब ये आई तो मुझे बहुत पसंद आई। मैं बहुत यूज़ करती हूँ इस पैलेट को, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये पैलेट परचेज़ की या नहीं की और आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अच्छी लगी है तो अपने प्यारों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।